साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSSC की नई लेखपाल की भर्ती के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ अन्य भर्तियां जो PET 2023 से आने वाली हैं उनके सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये वीडियो को आपको जरूर से जरूर देखना है। PET अगर 2023 दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं दे रहे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि PET 2023 का ही सब कुछ कमाल है इस पूरे उसमें जो मैं बताने वाला हूँ। अब देखो साथियों, PET दो जो तुम्हारी लेखपाल की भर्ती थी, जो 4500 पद खाली बच रहे थे उन्हीं पे भर्ती आने वाली थी, लेकिन राजस्व निरीक्षक वगैरह से जो पोस्टें भर गई, जो प्रमोशन से भर गई पोस्टें, मतलब प्रमोशन हो गया जिन लेखपालों का, तो वो पोस्टें तो खाली हो गई। तो लगभग जो पोस्टें हैं 1200-1300 पोस्ट हैं, अगर ऐड करा जाए तो लगभग अब जो भर्ती आएगी 4500 नहीं 6000 पोस्टों पर आएगी। तो एक बड़ी भर्ती कह सकते हो आप जो लेखपाल की आने वाली है तुम्हारी PET 2023 से। रीजन क्या है आप पूछोगे, क्यों आ जाएगी ये अभी भर्ती, ये 8085 नहीं हो पा रही है। तो साथियों, 2027 में भी यूपी में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इन लोगों को भूमिका बनानी पड़ेगी कि हमने देखो उस टाइम पे 8085 पद भर दिए और इतने पद इस पैट से हमने इस समय भर दिए, तो हमने इतनी वैकेंसी फिल करा दी। तो ये आपको बनाना पड़ता है, तभी कोई मतलब सरकार वो विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जाती है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। अगर PET की तैयारी आप सीरियस तरीके से नहीं कर रहे हो तो अब सीरियस तरीके से करने लगो, कि अगर PET में अगर तुम्हारा लेखपाल में भर्ती पानी है, जॉब पानी है, तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। दूसरा साथियों, लोअर की मैंने बताया था, लोअर में जो UP SSSC आयोग, लगभग 1000 पदों का अध्याचन आ चुका है और भी पद ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि 1000 के 1000 ही रहेंगे, जो पद आते रहते हैं वो ऐड होते रहते हैं, अध्याचन विभाग भेजते रहते हैं आयोग को। तो 1000 पदों पर अध्याचन आ चुका है, तो जो PET 2022 से भी ये तुम्हारा लोअर की भर्ती आएगी और PET 2023 से भी आएगी। मान लो कि PET 2022 से 400-500 पद दे दिए और PET 2023 से भी 400-500 पद दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार से भर्ती आएगी। तो आपको अगर PET 2022 का कुछ होना नहीं, जिनका जो पेपर दिया था उनको ही दे पाएंगे, लेकिन PET 2023 के पास एक मौका है आपको, अगर आपको जॉब पानी है लोअर में। अब देखो, लोअर की भर्ती सबसे बेहतरीन भर्ती है UP SSSC की, अगर जॉब पानी है तो आपको ये भर्ती में अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। क्या नाम है, किसमें, PET में। तो PET में अच्छे नंबर लाओगे तभी कुछ हो पाएगा। तो PET 2023 में अच्छे नंबर लाओ और लोअर की भर्ती ले जाओ, सीधी बात यह है। दूसरा एक अच्छी खबर और है साथियों, जो पहले भी सचिव जी ने बताया था, जो अध्यक्ष जी ने बताया था कि हमारी भर्तियों का प्लान इस प्रकार से है, तो BDO की नई भर्ती अब PET 2022 से नहीं PET 2023 से आएगी और उसमें भी लगभग साथियों 2000 पद होंगे, 2000 प्लस पद होंगे। अब कितने होंगे अभी तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब मालूम पड़ेगा, लेकिन PET 2022 से भर्ती नहीं आएगी है, अब PET 2023 से ही भर्ती आने वाली है। तो आपको एक मौका है, देखो जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होता है तो आप तैयारी नहीं करते हो। तो अब मोटिवेशन मिल रहा है आपको कि भर्तियां जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं कि कुछ भर्ती ही आने वाली है। देखो, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, लोअर की मैंने बता दी, BDO की नई भर्ती है जो PET 2023 से आपको ओपन होगी। दूसरा, ASO की भर्ती अभी चर्चा नहीं है, लेकिन ASO में भी आपके 2000 पदों का जो अध्याचन है वो UP SSSC आ चुका है, 2000 प्लस ही पद हैं और उनकी जो भर्ती होगी वो PET 2023 से ही होगी, 22 से इसका नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको तैयारी बिल्कुल तरीके से करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ये जो भर्तियाँ बता रहा हूँ ये इसके अध्याचन जो हैं UP SSSC आए पहुँच चुके हैं, अब ये जो PET 2022 से वो 4 नोटिफिकेशन आएंगे जो मैंने बता दिया, लोअर का नोटिफिकेशन भी आएगा, मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, AGTA और JEE का नोटिफिकेशन आएंगे, उसके सिवा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके जो है 2023 के जो नोटिफिकेशन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगला साथियों देखते हैं, अगला देखो, और कुछ देखो ऐसा नहीं है कि सारे नोटिफिकेशन में आपको, ये बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं जो आपके नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारी भर्तियाँ छोटी मोटी होती हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में बता भी नहीं सकते, क्योंकि 80 पद आ रहे हैं, 90 पद आ रहे हैं, 100-200 इस प्रकार के पद आते हैं, तो बहुत सारी भर्तियाँ ऐड होती चली जाती हैं, तो उनके भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। और जो कम भर्तियाँ होती हैं 100 आगे भर्तियाँ, उसके लिए तो PET में आपके अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ये बड़ी भर्तियाँ हैं, इनमें शॉर्टलिस्टिंग होती है, तो आपको कम नंबरों पे भी मौका मिल जाता है, लेकिन जो जैसे कम पद आ रहे हैं तो उनमें भर्ती मौका नहीं मिलता। जैसे UDA LDA की भर्ती आई थी 76 पदों पे, 76 पे उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, आपको मालूम है, देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा हाई फाई चली गई थी, 86 पदों पर लगभग कट ऑफ गई थी, 86 मार्क्स पर कट ऑफ गई थी, तो बहुत ज़्यादा चली गई थी। तो आपको तैयारी उसी प्रकार की करनी है कि अगर कम भी पद आए तो आपको
उस भर्ती में बैठने का मौका मिल जाए। तो साथियों, अब कंक्लूजन ये निकलता है कि पीटी 2023 एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। अगर आप कम नंबर लाएंगे तो आपको बैठने का मौका कहीं नहीं मिलेगा, ये मान लो मेंस में। आपको इतना टारगेट तो सेट करना ही करना है कि 75 से 80 के बीच में आपको मार्क्स लाने हैं। आप कहोगे कि मजाक है, ऐसा मजाक भजाक कुछ नहीं है, आप ला सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। 80 ला सकते हो, 85 90 ला सकते हो उसमें मार्क्स, ठीक है। तो आप 75 से लेकर 80 के बीच में टारगेट बनाओ, और अगर जो 100-200 पद निकलते हैं उनमें अगर भर्ती आपको चाहिए तो कम से कम 85 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तभी साथियों बैठने का आपको मौका मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आप सोचो कि मैं 50 नंबर आ गए, 55 नंबर आ गए, बैठने का मौका मिल जाएगा, तो आप सोचते भले रहना, फिर देखते रहना कि हाँ मेरा होगा कि नहीं होगा, बीच में दिक्कत हो रही है। तो आपको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा कि पीटी 2023 में आपको 75 से ऊपर लाने हैं, ऊपर कितने भी नंबर ले आओ, 75 से कम 75 नंबर तो लाने ही लाने हैं। तो आपको समय है, अभी 28-29 तारीख को पेपर है, तो आपको अच्छे से नंबर ले पाओगे, अभी समय है आपके पास में, ठीक है साथियों। तो तैयारी करना शुरू कर दो अगर नहीं की है, और इस वीडियो को जरूर देखिए और साथियों तक शेयर जरूर करना कि ये भर्तियाँ ओपन होने वाली हैं पैट 2023 से। जब तक मोटिवेशन नहीं होता ना, लोग तैयारी नहीं करते, तो मोटिवेशन आपके पास है तो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है इसकी, लेखपाल की और लोअर की भर्ती होने वाली है, और वीडियो की भी, और तुम्हारी ASO वगैरह की भर्ती, और बहुत छोटी छोटी भर्तियां भी इनके बीच में आने वाली हैं पैट 2023 से, क्योंकि 27 में विधानसभा का इलेक्शन है। अब तुम कहोगे 24 और 27 में तो बहुत डिफरेंस है, भैया 3-3-4-4 साल लग जाते हैं, देख नहीं रहे हो 18 की भर्ती अब तक चल रही है, 16 की भर्ती अब रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप समझ रहे हो बात को। तो आप तैयारी अच्छे से करो पीटी 2023 की, और एक जॉब लेकर जाओ, ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तैयारी करते रहो, 28-29 को पेपर होगा, अच्छे से आप पेपर देके आओ, और कम से कम अपना टारगेट सेट करो 75 से ऊपर मार्क्स लाने का, ठीक है साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दो साथियों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।